हाय स्टूडेंट, आप सभी का सैम के क्लास इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो सेवेंथ स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन है, मल्टीप्लिकेशन एंड अ डिवीजन ऑफ इंटीजर, यह सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5 + 7 है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा उसको ऐड कर देंगे 12। अब यहाँ पे 10 + (-5) है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों साइन दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस, जब भी यहाँ पे प्लस माइनस साइन होगा तो हम यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस प्लस का आंसर हमें प्लस, प्लस माइनस 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 क्या होगा यहाँ पे प्लस, और माइनस प्लस यहाँ पे होगा माइनस। ये जो चार्ट है ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस होगा और डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी 10 - 5 हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे 10 बड़ा नंबर है, वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पे -4 + 3, अब यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस साइन है, साइन डिफरेंट है, इसलिए हम उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम 4 - 3 करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा, और यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे बिग नंबर यहाँ पे 4 है, तो वो माइनस है, इसलिए हम उसको -1 लिख देंगे। इसी तरह आपको ये भी सॉल्व करना है, यहाँ पे -7, अब यहाँ पे दोनों साइन पास में है तो उसको हम प्लस माइनस है तो हम उसको माइनस लिख देंगे, यानी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे 7 + 2 = 11, और जो उनका साइन है बड़े नंबर का वो क्या है माइनस। यहाँ पे +8 - (+3) है, यहाँ पे दोनों साइन है और दोनों क्या है डिफरेंट है, इसलिए हम उसको माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस यानी माइनस, तो हम 8 - 3 यहाँ पे हम उसको 5 लिख देंगे, और यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो क्या है पॉजिटिव है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही रखेंगे। उसी तरह यहाँ पे +8 - -3 है, अब यहाँ पे दोनों साइन पास में है इसलिए हम उसको दोनों को एक कर देंगे पहले, यहाँ पे माइनस माइनस है तो हम उसको 4 प्लस कर देंगे। यहाँ पे +8 + 3 दोनों साइन यहाँ पे हमें सेम मिले तो हम उसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 11 8 + 3 11, और जो बड़ा नंबर 8 है वो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। ठीक उसी तरह आपको ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस, और ये ब्रैकेट में ऐसा नंबर लिखना है कि जिसका आंसर हमें +3 आना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस और प्लस है, अब हम यहाँ पे अगर +9 लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का साइन यहाँ पे क्या है प्लस होगा और माइनस प्लस यानी यहाँ पे माइनस होगा, तो 9 - 6 यहाँ पे आंसर 3 आएगा, और बड़ा नंबर क्या है प्लस है इसलिए वहाँ पे प्लस, इसलिए यहाँ पे +9 आएगा। अब यहाँ पे -4 - (in brackets) में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 4 - 1 यहाँ पे +3 आएगा। उसी तरह यहाँ पे हमें 7 + दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -4, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस, 7 - 4 यानी हमें +7 है तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। यहाँ पे -5 - (in brackets), यहाँ पे हम इन ब्रैकेट में जब यहाँ पे -8 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी माइनस प्लस माइनस होके यहाँ पे +3 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे -8 है, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे
प्लस 11 जब लिखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और 11 माइनस 8 यहाँ पे 3 आंसर आएगा। उसी तरह आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स में देना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।